नमस्कार, वार्ड नंबर 8 दीनापुर से पार्षद पद हेतु जनहिकार पार्टी ने मनोज कुमार पुत्र रामजी सोनकर के ऊपर विश्वास जताकर इनको टिकट दिया है। आइए जानते हैं क्या है इनके मन में तमन्ना। विकास की रूपरेखा, जिनका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। संक्षिप्त परिचय देते हुए अपना मुद्दा बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है, बीएससी से बीए में किया है मैंने। मेरा उद्देश्य नगरी विकास में अग्रसर हुए ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना है। जैसे सड़क है, पानी है, नालियां हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा है, एम्बुलेंस है और प्राथमिक लाइब्रेरियाँ हैं। इन पर काम करना है, कौशल भारत योजनाओं को इसमें जोड़ना है। आप दिव्यांग भी हैं? दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, ये सारी योजनाओं को, जितनी भी तमाम सरकारी योजनाएं हैं, उनको प्रत्येक जनता तक जो जिसका हकदार है तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। आपके स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे सर, किस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? मैं दीनापुर वार्ड नंबर 8 से लड़ रहा हूँ। दीनापुर वार्ड नंबर 8 और प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी के हैं, तो आपके मैनिफेस्टो में क्या है? सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन जितनी संख्या भारी उसकी उतनी है। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मनोज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी की आई हैं और किस पद पर हैं जन अधिकार पार्टी में, परिचय देते हुए बताइए। परिचय बता रही हूँ। मेरा नाम इंदु मेहता है और मैं जन अधिकार पार्टी में प्रदेश महासचिव हूँ। जिस तरह से आपने देखा है कि सरकारें बहुत सारी आती जाती हैं, लेकिन किसी ने महिलाओं का वोट तो 50% वोट तो नहीं लेती है, पर हमें अधिकार नहीं देती है। जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा, महिलाओं की राजनीति होती है और 50% के हम लोग वोटर हैं, लेकिन हमें 50% अधिकार नहीं मिलता है। हमेशा वोट के समय महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमारी सिलेंडर की कीमत कम हो रही थी, अब 1000 के पार चली गई। बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जो महिलाओं तक आज तक नहीं पहुँची, जो कि संविधान के अनुसार हमें 50% के, जो कि हम हर जगह हमारे अधिकार होने चाहिए। और आज तक हमारे 7 दशक से ऊपर हो गए, हमारे देश को आज़ाद हुए, फिर भी हमें आज तक हम वंचित हैं, हमारे अधिकार अब तक हमें नहीं मिले हैं। महिलाओं के कौन से अधिकार अब तक आपको नहीं मिले हैं जिसे वंचित, उसका नाम बताइए। बहुत सारे अधिकार हैं, आप राजनीति से ही ले लीजिए, जो राजनीति में हम कितने परसेंट तक संसद तक पहुँच चुके हैं, विधानसभा के चुनाव तक देखिए, जगह जगह देखिए, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, चाहे कोई भी शिक्षा विभाग ले लीजिए, हेल्थ विभाग ले लीजिए, जहाँ भी आप देखिए कहाँ 50% हम हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद 3% तो मिला है हमें, हमें ये अधिकार 3% मात्र है मिला हुआ है, जो हमारी कुछ बहनें आपको दिखती हैं समाज में, और जो हमारा अधिकार है वो हमें नहीं मिल पाया है। पूछ लीजिए आप, आपकी पार्टी, अपना परिचय देते हुए बताया, आपकी पार्टी क्या परिवर्तन लाना चाहती है समाज में? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मौर्य, जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष वाराणसी। आप बोलेंगे क्या कुछ समझाते? मैंने तो पूछ लिया आपसे, क्या क्या नया मुद्दा लेके आए हैं, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? मेरा मुद्दा यही है कि शिक्षा, गरीब हो या धनवान, सबको शिक्षा एक समान, और जाति जनगणना हो और जाति के हिसाब से समाज में सबका हिस्सेदारी बराबर का होगी चाहिए, हमारी यही मुद्दा है। बताइए अपना। मेरा नाम संतोष कुमार मौर्य है, मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ, मैं पूर्व कांड विधानसभा प्रत्याशी। किस पार्टी से अध्यक्ष हैं? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार, इस समय देख रहे हैं कि आपका पैर जो है टूटा हुआ है और इस परिस्थिति में भी आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करना हम लोगों का आदत बन चुका है,
तो सबके लिए संघर्ष कर लेंगे, कर रहे हैं कि अपने लिए संघर्ष? नहीं, समाज के लिए किया जा रहा है। समाज के लिए किया जा रहा है।